नगर पालिका में शिकायतों का त्वरित निराकरण नहीं होने पर कलेक्टर ने स्वयं नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर नागरिकों की शिकायतें सुनी। कलेक्टर मयंक अग्रवाल बुधवार दोपहर करीब 12 बजे नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर ने आम जन की समस्याएं सुनी। नगर पालिका कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना नामांतरण सहित अन्य प्रकरणों की सुनवाई करते हुए कलेक्टर अग्रवाल ने नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि नगर पालिका से संबंधित शिकायतें कलेक्टोरेट तक पहुंच रही थी, इन्हीं शिकायतों को देखते हुए अब नगर पालिका कार्यालय में ही जन सुनवाई की शुरुआत की गई है। सप्ताह में बुधवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन दोपहर 12 से 1 बजे के बीच नागरिकों की समस्याओं को सुना जाएगा। नागरिकों की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। नहीं देखिए, अभी तो ये चालू इसीलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी सारे शहरवासी रहते हैं, बारिश के चक्कर में थोड़ा सा साफ सफाई और इससे भी रिलेटेड रोड गड्ढों इससे भी रिलेटेड समस्याएं रहती थी। जो मेरे सामने प्रकरण आए हैं कुछ काफ़ी सारे कुछ आवास से रिलेटेड आए हैं, क्योंकि काफ़ी सबका तो आवास स्वीकृत है नहीं, मगर जिन लोगों का स्वीकृत हो सकता है हम लोग उनको क्लियरली सूचित कर दें कि उनको मिल जाएगा, और जो लोग अपात्र हैं उनको भी हम लोग सूचित कर दें कि अपात्र हैं तो इसीलिए नहीं हो पाएगा, तो भ्रम की स्थिति ना रहे इसीलिए स्पष्ट कर देना ज़्यादा अच्छा है पात्र पात्रता के बारे में। और जन सुनवाई का तो ये है कि क्योंकि शहर में काफ़ी सारी समस्याएं, शहर क्योंकि कंजेस्टेड शहर है तो समस्याएं रहती हैं और लगातार काम है, लगातार का काम है, ऐसा कोई एक दिन का काम नहीं है कि मतलब मान लीजिए आज रोचक अड्डा भी भरा जा रहा है तो कहीं और कुछ दिक्कत आएगी, कुछ और सफाई की दिक्कत आएगी या कुछ और दिक्कत आएगी, तो डे टू डे वाला फंक्शनिंग होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जो अगर कुछ मामले नहीं नज़र में आए हैं या उसमें स्पेशल फोकस करना है तो इस आगामी इस महीने में उसको तेज़ी से उसको प्रोग्रेस में कर लिया जाए, तो बस इसीलिए आया कुछ फाइल। एक तो पेंशन वाली पहली बात है, तो पेंशन प्रकरणों के लिए बारे में इनको एक सप्ताह का समय ज़रूर दिया है कि जितने पेंडेंसी है उसको अगले मंगलवार तक उसको निपटारा करने का है, और अगर नहीं होती तो फिर उसके फिर अपना अपना जैसे विभागीय तरीके से कार्रवाई करके काम कराते हैं वो ऐसा कराएंगे। दूसरा फाइल गायब होने का है, और जो अभी लास्ट में जो पार्षद जी आए थे उनका जो पूर्व पार्षद थे उनका कहना था, तो वो जो भी मसले हैं कुछ फाइलें मिल गई हैं ढूंढवा भी रहे हैं, अगर नहीं मिलेगी तो उसमें कार्रवाई भी दांडिक कार्रवाइयाँ भी करेंगे। नहीं वैसे भी मैं समस्या तो वहाँ पर भी अपने कार्यालय में भी सुनता था, सभी लोग जब भी लोग आते थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा था, बट ये है कि थोड़ा सा स्पेसिफिकली क्योंकि नगर पालिका का पूरा स्टाफ रहता है तो तुरंत रिप्लाई मिल जाता है, यहाँ पे करने का और कोई विशेष वो नहीं है, वहाँ पे केवल मैं मार्क करता हूँ चीज़ों को फिर आता है घूम के, इधर ये है कि आदमी अगर आ रहा है तो नगर पालिका का स्टाफ है तो वो उसको कहीं वहीं पर उसकी वस्तुस्थिति बता देता है, ऐसा नहीं है कोई शिकायत करता है तो हर चीज़ स्थिति स्पष्ट रहती है, वो भी कई बार गलत शिकायत रहती है तो वो भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो चीज़ें घूमें ना और स्ट्रीमलाइन हो जाए तो फिर मुझे उसमें यहाँ पे कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है बैठने की, मेरा यह है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटारा करना। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।